गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज की जो नई नई सुबह है ना, सम डेज कुछ ऐसे होते हैं कि हम लोग बहुत 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 खुश होते हैं, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि हम लोग बस जस्ट टाइम जो है हमारा वो पास करते हैं, है ना। कुछ सुबह बहुत प्यारी होती हैं, अच्छी होती हैं, और हम उसमें बहुत 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 ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं। तो सेम मेरा ये ऐसे ही है। अभी जो बात करने का जो मौका होता है, बहुत दिन से सोचती हूँ, बट या तो वो नाइट में मिल सकता है आफ्टर 12, या फिर इस समय मॉर्निंग में अराउंड 6 o'clock, वो भी फ़ैन ऑफ करके। अदरवाइज़ गाड़ियाँ, दूध वाला, अखबार वाला, तो वो बीच बीच में डिस्टर्बेंस होता है। बट फाइनली मैंने सोचा आज कुछ बात ही कर लेते हैं। थोड़ा सा सुबह सुबह उठ के आई, फ्रेश हुई हूँ थोड़ा। तो अभी क्या है ना, ये जो मेरे व्लॉग आ रहे थे जिसमें कि एनिवर्सरी पे प्लानिंग बहुत थी, प्लानिंग प्लॉटिंग करके रखी थी। बाहर कुत्ते बोल रहे हैं। तो प्लानिंग प्लॉटिंग तो बहुत थी, लेकिन उतना हो नहीं पाया। ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है कि हम लोग जब भी किसी फेस्टिवल पे या मैं अपनी एनिवर्सरी पे कुछ प्लान करती हूँ, तो वो डिमोलिश हो, पूरा पूरा ख़त्म हो जाता है। जैसा इनके बर्थडे पे किया था 20 मार्च को, तो उस दिन से तो ये पूरा शुरू ही हो गया था प्रोसेस। और अभी भी तो अभी आज का जो वीडियो है वो ये था कि हमने सेलिब्रेशन कैसे किया। कुछ सेलिब्रेट खास नहीं था, सिर्फ कुछ बनाया और खाया, इतना ही था। एटलीस्ट केक, अब केक काटने के बाद वो क्रेज़ नहीं रह गया। आई डोंट नो कि क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ये ऐसा हो रहा है कि कोई भी ना क्रेज़ नहीं रह गया किसी चीज़ को करने का। और वो चीज़ क्यों हो रही है वो पता नहीं है। अभी हम YouTube में लगे हैं, तो वो लग रहा है कि होल प्रोसेस जो है वो रॉन्ग हो गया है पूरा, शुरू से जो हमने किया। बिकॉज जिन्होंने 2017 में शुरू किया, नाउ दे आर वेरी गुड पोजीशन। किसी के 5 lakhs है, 2 lakhs है, 1 lakh, एटलीस्ट 1 lakh तो हो चुके हैं। तो वो सोच के फिर अपने आप को लगता है कि यार ऐसा क्या हो रहा है ना। फिर फैमिली में भी क्या होता है, जब आप चल जाओगे तो ठीक है, हाँ ओके ओके, अदरवाइज आपकी टांग खींचते हैं लोग, है ना। अच्छा ये बस, ये तो इसमें क्या है, व्लॉगिंग व्लॉगिंग क्या होती है, नाटक करना, बस दिखा देना कि क्या कर रहे हो। बट जब हम करते हैं तो पता लगता है कि वो क्या, वेदर इट इज़ कुछ भी हो। लेकिन हम कुकिंग कर रहे हैं, वो एक प्रोसेस अलग है कि आप फ्रंट में नहीं आओगे, पूरा होल प्रोसेस सिर्फ आपको खाने का दिखाना है, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। और अगर आप एजुकेशनल बनाते हो, वो भी एक अलग थिंग है कि आपको सिर्फ एक प्रोसेस पता है कि मैं ये, मुझे ये बोलना है और मैं ये, मुझे ये करना है। बट लेकिन जब आप व्लॉगिंग में आते हो ना, तो व्लॉगिंग में बीइंग अ व्यूअर, जब मैं बता रही, जब हम देखते हैं किसी के व्लॉग, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि भाई अच्छे अच्छे, जिनको जिनको हमारा स्विच ऑफ करने का मन नहीं करता, होल देखते हैं और फिर ऐसा मन करता है अरे इस सीरीज को और आगे आना चाहिए था। तो अभी हम जैसे जो न्यू यूट्यूबर्स हैं, जिसमें कि मेरा सब्सक्रिप्शन जो है वो पूरा हो चुका है, 1000 के अराउंड पूरा हो गया है, वो भी 3 साल लगे। बट ये अच्छी बात नहीं थी, पर उसमें किसी और को दोष देना ठीक नहीं। सरकमस्टांसेस थे, कुछ मेरे अपने रीज़न थे। तो और अभी भी जो है ना, वॉच टाइम का प्रॉब्लम हो रहा है। वॉच टाइम जो है, लोग अभी जो नए जुड़ रहे हैं, एक प्रोसेस है, लेट्स ग्रो टुगेदर जो है, उसमें एक तो जो भी व्यूवर्स होते हैं, जो हमारे नए जिनके चैनल हैं, अगर वो हमारे चैनल को विजिट करते हैं और अगर वो उनको अच्छा लग के सब्सक्राइब, या किसी भी रीजन से हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमारी फैमिली में मेंबर बन रहे हैं, तो प्लीज़ जो भी आप जो मैसेज कमेंट बॉक्स होता है उसमें ऐसा ना लिखें कि सब्सक्राइब करो, मैंने आपका सब्सक्राइब किया, आप मेरा करो, प्लीज़ ऐसा ना लिखें। आप अगर हमारे चैनल पे विजिट करेंगे, मैं मेरा बोलती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे विजिट करेंगे, इफ़ यू आर हैविंग चैनल, अगर आप मुझे एक अच्छा सा मैसेज कर दीजिए, थोड़ा बड़ा, नॉट नाइस गुड, थोड़ा सा बड़ा मैसेज करेंगे, तो आई वुड अंडरस्टैंड कि भाई इसमें मुझे जाना है, मैं आपका चैनल ज़रूर देखूंगी, क्या है कैसे है, देन ठीक है, फिर हम लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे। बट कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ना लिखें कि मुझे सब्सक्राइब करो, ऐसा ना लिखें। और जो व्यूवर्स, स्पेशली एक बात कहना चाहूँगी, जो हमारे व्यूवर्स हैं ना, उनमें से कुछ ऐसे बहुत अच्छे, नाम नहीं लेना चाहूँगी, बहुत अच्छे हैं जो हमारे को बढ़ने में आगे मदद कर रहे हैं। और जिससे होता है ना, एक आपका
बहुत अच्छा फ्रेंड होता है जो हो ना, अगर आपका घर में कोई प्रॉब्लम है आप उसको कहते हो तो वो दूसरों से हेल्प लेता करवाता है। तो ऐसा ही एक हमारा व्यूवर्स भी है, एक व्यूवर है जो कि बहुत अच्छा, मतलब सारे जो नए यूट्यूबर्स हैं उनको वो कनेक्ट कर रहा है आपस में। तो उसको ये नहीं पता, उसका प्रोसेस ये वो कमेंट में बोलेगा, तो मैंने भी पूरा प्रोसेस नहीं देखा था क्या हुआ, लोगों ने उसको बहुत कुछ बोला। तो प्लीज़ हमारे व्यूवर्स वो तो वही है ना, आप व्यूवर्स को कुछ ना कहें प्लीज़। जो देख रहा है अगर वो देख के कह रहा है हाँ आप उसका चैनल देखो या उसका चैनल देखो, तो ओके वो उसकी अपनी चॉइस है, उसमें उसका तो कोई भी बेनिफिट नहीं है ना। तो आप उस पर्सन को बिल्कुल ना कहें, तो ये क्योंकि ऐसा अगर आप उसे कुछ कह रहे हैं तो ये आपकी गंदी सोच को दिखाता है। मैं सिंपल शब्द, मेरे को गोलमोल बोलना नहीं आता है, तो ये आपकी वो उस गंदी मानसिकता को दिखा रहा है कि जब आप व्यूवर जो हमारे देखने वाले हैं उनको ही नहीं बख्शेंगे, उनके लिए ही कुछ भी बोलेंगे, तो फिर क्या मतलब इस चैनल को चलाने, कौन देखेगा? आसमान से कोई आके तो नहीं देखना ना किसी ने, देखना जो है यही है ठीक है। क्योंकि अगर आपको इस अभी जैसा कि एक हमारी इंस्टाग्राम पे है मोनिका जी, उन्होंने बिल्कुल सही बोला कि हर घर से एक यूट्यूबर है अब, और एक तो कम से कम तीन चार हैं, पूरी फैमिली भी हो सकती है कहीं कहीं। तो प्लीज हम ही अब यूट्यूबर हैं और हम ही अब व्यूवर हैं, नो डाउट कि एटलीस्ट इंडिया में तो 133-135 करोड़ लोग हैं वो हमारे, और आउटसाइड इंडिया भी बहुत से। लेकिन आप ऐसा कंटेंट बनाएं, ऐसा प्रोसेस करें कि आपको आउट ऑफ इंडिया भी लोग देखें। तो बनिस्पत इसके कि आप ये झगड़े, किसी को बोलना, किसी का ये करना, तू ये तू वो, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, अच्छा बेहतर है। ठीक है किसी को आप सोच दें उसने क्या कंटेंट, मुझे भी कभी कभी लगता है कि यार ये क्या कंटेंट है, क्या दिखाना, पर वो जो भी दिखा रहा है उसके लिए एक करेज चाहिए। आज मुझे भी दिखाने पर मुझे हिम्मत होनी चाहिए कि आप कैसे भी पढ़े हो और आप इन फ्रंट ऑफ कैमरा आ गए हो, तो वो बहुत बड़े करेज की बात है और सबसे बड़ी लक की बात है। तो अपनी लक को मजबूत करिए और अपनी मेहनत को मजबूत करिए, और तब हम लेट्स ग्रो हो जाएंगे। और जो हमारा लेट्स ग्रो वाला ग्रुप है उसमें आप जुड़िए, और प्रोसेस ये रखिए कमेंट बॉक्स के थ्रू ना जाके आप हमारे इंस्टा पे आइए, इंस्टाग्राम पे हम लोग बात कर सकते हैं, वहाँ आप मैसेज करिए है ना, जो भी है जो कुछ भी बताना है हमें चैनल के बारे में या आगे बढ़ने के बारे में, तो वो एक ग्रुप आई थिंक में जुड़ जाना चाहिए। हम लोग इंस्टा के थ्रू जुड़ सकते हैं, ये मेरा पर्सनल मानना है। तो अगर इस वीडियो को लोग पूरा देखेंगे, मुझे नहीं पता क्योंकि कल परसों मैंने एक वीडियो डालने 2 दिन उससे पहले बहुत ज़्यादा अपसेट थी मैं, जो कुछ हुआ 14 जून को, तो उनमें सिर्फ फटाफट व्यू आ रहा है और नीचे टाइम आ रहा है, पर मतलब 14 मिनट में और 14 व्यू आपके हो रहे हैं, पर वो व्यू में एक एक मिनट, मतलब वो सिर्फ काउंट कितना, एवरेज टाइम कुछ नहीं है। यानी जब हम वो एनालिस्टिक दिखाता है तो वो वाला प्रोसेस जो है वो तो एकदम स्लाइट रहता है, ना उसमें कुछ ग्रीन है ना कुछ है, यानी आप देखते ही नहीं, देखे बिना लाइक और देखे बिना। अब ये तो नहीं कह सकते क्योंकि बहुत 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 सारे लोग हैं जिनको आप देखना चाहेंगे, लेकिन अगर आप हमसे जुड़ रहे हैं, स्पेशली जो हमारे लेट्स ग्रो वाले ग्रुप वाले हैं, तो एटलीस्ट आप अगर देखना चाहते हैं तो देखिए, अदरवाइज आप उसको ऑन करके रख दीजिए और हाफ से थोड़ा आगे तक आप देखें, तो वो हमारा और अच्छा समय में काउंट हो जाएगा। अगर आप इतना नहीं बियर कर पा रहे, यही कहा जाएगा ना कि आप उसे बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हो, तो इतना, लेकिन अच्छा होगा कि हम एक दूसरे को देखें और कमियां बताएं और ये कहें कि हाँ ये इम्प्रूवमेंट कर, ये इम्प्रूवमेंट करो, मच्छर देखो। तो ये ऐसी इम्प्रूवमेंट हमें एक दूसरे को बतानी है ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें है ना, और बहुत बहुत अच्छा करने की कोशिश करिए। सबको मेरी बहुत सारी विशेज हैं, लेकिन क्योंकि हम कमेंट बॉक्स में एक दूसरे पे नहीं कर सकते, अरे ये तुमने ये क्या तुमने, अगर कुछ लग रहा है कि ये कमी है तो आप थ्रू हमारे इंस्टा पे, क्योंकि आपके फिर इंस्टा में भी तो फॉलोअर बढ़ेंगे ना, इंस्टा में आइए, हम लोग इंस्टा में भी ग्रो हो जाएंगे एज वेल एज यूट्यूब के थ्रू है ना। तो बेहतर ये होगा, मेरा ये पर्सनली बहुत दिन से सोच रही थी। तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ना लिखें कि
लेट्स मुझे सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब ऐसा कोई वर्ड मत करिए जो हमारे स्पैम में जाए, हमारे चैनल की रेटिंग में कुछ फ़र्क आए आपके हमारे दोनों ही, तो स्पेशली मेरे में अगर आप, क्योंकि अगर मुझे लिखोगे किसी के भी मत लिखो, मैं भी नहीं लिखती किसी के में, तो देखती हूँ सून श्योर ओके, तो मैं विजिट कर लेती हूँ चैनल देन ओके वहाँ पर, तो ऐसा नहीं करें प्लीज़ नहीं करें। आप जब मेरे चैनल पे आएंगे एक अच्छा मैसेज लिखेंगे तो आई वुड अंडरस्टैंड कि यस मुझे इनके चैनल को जाके देखना है और इसको फिर आगे क्या करना है वो मैं देखूँगी। तो आंखों के आगे थोड़ा थोड़ा काला हो गया है, छोड़ दीजिए ये चलता रहेगा, तो मैं यही अब रिक्वेस्ट करूँगी, तो अब ऐसा नहीं लिखेंगे हम लोग। इंस्टा पे ग्रो करेंगे और साथ साथ यूट्यूब पे ग्रो करेंगे, और चैनल को पूरा पूरा जो है विजिट करो, अच्छा लगे, और ना अगर हमारे जो फ्रेंड्स हैं स्पेशली अगर जब हम एक साथ बढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट हाफ आप देखो, क्योंकि बहुत सारे जब 20-25 हम लोग एक्टिव मेंबर हैं तो एटलीस्ट कितना हमें देखना पड़, सबका तो नहीं देख सकते, क्योंकि अगर देखेंगे भी तो कुछ का आज कुछ का कल, इस तरीके से बींग अ फैमिली जब हमारी फैमिली है हमारे बच्चे हैं आगे तो नहीं हो पाता है, तो आप उसको थोड़ा सा ऑन करके रख दीजिए घर में, अगर एक दो फ़ोन और है, लैपटॉप है, कुछ भी है, ये जैसा इंस्टाग्राम पे मोनिका जी ने बोला सेम एज वेल है, पर मेरे पास भी ये प्रोसेसर लैपटॉप है पर मैं उसमें काम नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ मेरे दो फ़ोन से ही करती हूँ, कभी एक से और कभी दूसरे से। तो मोस्टली क्या होता है, अगर एक कल भी मैंने, मेरे साथ प्रॉब्लम हुई कि कल मैंने एक वीडियो डाला और वो सुबह 8 बजे डाला, शाम को वो 9 बजे जाके 9-10 बजे जो वीडियो मेरा आया था वो उस समय आया, मैं इतना परेशान हो गई, पता नहीं नेट है क्या है कुछ समझ नहीं रहा, तो जस्ट बोला गया कि आप नाइट में मत डालो सुबह डालो, तो बताओ कैसे डाले, मैंने सुबह डाला कि चलो 2 घंटे लग जाएंगे, 10 बजे तक अगर अपलोड हो जाएगा तो इसकी एवरेज मुझे 2:30-3 बजे तक मिल जाएगी कि क्या है, लेकिन वो चला ही नहीं तो क्या बताऊँ मैं। और अभी रात को फिर उसकी अच्छी इतनी परफॉर्मेंस नहीं थी, 9 बजे जब वो गया लोगों ने देखा फटाफट कमेंट आ गए, जितने देर में पूरा आगे नहीं बढ़ रहा था पता नहीं। तो अभी ये तो हुई बातचीत, और जो आगे का जो प्रोसेस आप देखेंगे वो मेरा एनिवर्सरी मेक कि मैंने क्या किया था वो थोड़ा सा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने क्या बनाया था, ये वीडियो ऑलरेडी 12 मिनट का, तो 4-5 मिनट का वो तो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, अगर आप देख सकेंगे बियर कर पाएंगे तो प्लीज़ कर लीजिएगा, तो स्किप करके मत देखिएगा, जो पार्ट आपको स्पेशली अच्छा लगे वो ज़रूर देखिएगा थ्रू बिगनिंग से, एटलीस्ट ये तक देख लीजिए, आगे कोई खास प्रोसेस नहीं मेरा, सिर्फ जो मैंने बनाया हमने क्या किया कुछ खास नहीं किया है, 5-7 मिनट का होगा शायद, तो देख लीजिएगा, और चैनल को फिर से कहेंगे जो चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छा लगे तो, और हमें इंस्टा पे ज़रूर फॉलो करिए, और नए जो हमारे यूट्यूबर्स हैं वो इंस्टा पे फॉलो करें, और जो व्यूवर्स हैं हमको यूट्यूब पे और इंस्टा दोनों पे कर सकते हैं सब्सक्राइब, और जो कुछ भी कनेक्टिंग वे है, और लाइक करें, कमेंट भी करें, शेयर करना आपकी अपनी मर्जी, क्योंकि शेयर जब आदमी करता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि यार ये तो मेरे दोस्तों को जाना चाहिए तो शेयर करता है, तब आप शेयर करें, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है आपको करने की, नहीं करेंगे आप तो कहना कोई ज़रूरी बात नहीं, तो स्पेशली पूरा चैनल देख लीजिए वो अच्छा है और लाइक कर दीजिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आज आगे का प्रोसेस पूरा देख लीजिए, और फिर कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ी सी बातचीत करने की, क्योंकि सुबह सुबह बस पानी हाथ में लेके बैठी हुई हूँ। सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अखबार वाला आ गया है पूरा। तो हुआ यूँ कि मैंने उड़द की दाल भिगोई थी यूपी का स्पेशल चावल का फरा बनाने के लिए, और उसको ग्राइंड करा कुछ हरी मिर्ची और हींग डाल के सिंपल सा, और उसको ग्राइंड कर लिया, कई जगह इसको दतनिको सा बोलते हैं, और चने की दाल भर के बनाते हैं, आटे का भी बनता है। तो ये देखिए इसको मैंने जीरा ये हरी मिर्च और साथ में थोड़ा हींग और नॉर्मल जो मसाले हैं सॉल्ट लाल मिर्च ये सब डाल के अच्छे से इसको भून लिया, ताकि जो है ना थोड़ी खुश्क हो जाए पीठी जो है हमारी, और साथ में मैंने पानी उबलने रखा हुआ है आप देख रहे हैं बगल में, उसमें मैं चावल को जो थोड़ा सा पकाऊंगी, चावल के आटे को, चावल को नहीं, ताकि वो अच्छा जैसे मोदक बनाते हैं या फिर इडियप्पम बनाते हैं ऐसा वो बनाते हैं उसका डो, तो उस तरीके से। तो ये चावल का आटा मिक्स करके और इसको मैं ढक के रख दूँगी ताकि जो पानी है वो थोड़ा सीध जाए इसके अंदर। तो ये देखिए मेरा पिठी तैयार था, और ये आटे को मैं थोड़ा गर्म था तो प्लेट से ही मैंने सोचा थोड़ा मिक्सअप कर देती हूँ,
देन अब ये नॉर्मल हो चुका था, ये देखिए। और कैसा भी साइज शेप आप बना लीजिए, हम लोग इसे हाफ़ मतलब हाफ़ मून की तरह बनाते हैं। मेरी भाभी जो है छोटे छोटे बनाती है, वो खुले करती है, मैं थोड़ा बंद कर देती हूँ। बच्चों को थोड़ा मोमू की तरह पसंद आते हैं, तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम है राजस्थान और इधर वाले की, कुछ कुछ चीज़ें यहाँ की जो मेरे यहाँ की इनको पसंद आती है। तो ये तैयार हो गए थे, इन लोगों ने खाना शुरू कर दिया था, टमाटर की चटनी बनाई थी बस। और बारिश भी हुई थी, पता है उस दिन खूब बारिश हुई, 7 बजे मैं जल्दी खा लिया था। देखिए बारिश हो रही है, बच्चे ने तो पूरे मज़े आ रहे थे, कुत्ते भीग रहे थे, इधर पानी बरसात इधर की थी हमारे गेट पे, तो ये सामने इनको फिर उधर को मैंने भेजा कि चले जाओ उधर। तो देखिए कितनी तेज़ बारिश है, बहुत तेज़ आई थी, मतलब ये देखिए मेरे सामने दोनों भाई बहन ये। तो अब मेरा नंबर लग चुका था, ये बारिश का बाहर आनंद ले रहे थे, बच्चे सब बैठे थे, तो लास्ट में मैं थोड़ा खा रही। बस ये मैक्सी में मेरा बेटा आज पूरी एनिवर्सरी करना ड्रेस, क्योंकि गर्मी इतनी दबा दब है कि पूछो मत, कुछ कपड़े पहनने का मन ही नहीं करता मेरा तो। और फिर केक का शगुन करना था, तो बच्चों को भी मतलब ऐसा होता ना कि चलो कुछ बनाने, तो ये मैंने बनाया था, पुडिंग बनाई थी मैंने चॉकलेट की, ये खाना खाने के बाद बनाई थी, 7:30 तक हम लोग सब निबट चुके थे। तो ये देखिए कटिंग हो रही है, और हम लोगों ने बस इसको ही खिला के विश कर लिया, पतीले में केक काट दिया, पुडिंग को काट दिया एक्चुअली। और ये जो है बच्चों को ज़्यादा पसंद आती है, गरम गरम होती है और थोड़ा सा चॉकलेट ज़्यादा होता है, तो उनको, मुझे पहले बहुत अच्छी लगती थी चॉकलेट पर। और मेन था हमारा ये सरप्राइज़, जो कि बच्चों ने एक हैंडमेड कार्ड बनाया था हमारे लिए, हैप्पी एनिवर्सरी मॉम एंड डैड। तो ये रात को हम जब कमरे में आए तो ये बिस्तर पे था, थ्रू मैसेज हैप्पी एनिवर्सरी ऑन योर स्पीशियस पता नहीं फ्रॉम योर लविंग सन एंड डॉटर, वी लव यू। तो ये जब मतलब पूरी होलसेल हमारी एनिवर्सरी का दिन बना दिया था इसने। एनीवेज हो गया, बस अच्छा बीत गया। कहते हैं ना, अपनी सोची प्रभु कुछ नहीं, प्रभु सोची तत्काल, मतलब प्लानिंग प्लॉटिंग कुछ नहीं हुई है। सो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।